अब अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी अब जाने वाले हैं। आज पेट्रोल पंप नहीं है, वो सरकार के लूटने के अड्डे बने हुए हैं। क्यों हमारे कारखानों पे ताले लग रहे हैं और जो गबनबाज काम भी नहीं करते उनकी तिजोरियां भर रही। जो कारवां 15 लाख से शुरू हुआ था वो फिसलते पकौड़ों पे आ गया है। ये क्यों मोदी? अपने दोस्तों को तो 55,000 करोड़ रुपया दे के अंग्रेजों के पास भेज दिया और बिहार के एक किसान को अंग्रेजी में इनकम टैक्स का नोटिस थमा दिया, उसकी क्या गलती थी? एक गृहिणी पूछ रही है कि कमल का फूल क्या मेरी इतनी बड़ी भूल है कि जो सिलेंडर कभी 350-400 रुपए में होता था आज मैं वो 700 रुपए में क्यों खरीद रही? पर मोदी जी को ये आवाज नहीं आ रही। पर मोदी जी भूल गए हैं कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने अभी देखा नहीं आंखों का समंदर होना? जो पाखंडी राष्ट्रवाद की खोल में छुपे बैठे हैं उन्हें बेनकाब करना है। और अब सभी लोगों को घर घर जाके एक संदेश देना है कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी अब जाने वाले। देश ने तो मांगी थी उजाले की फकत की एक किरण, राजा ने हुक्म दिया चलो आग ही लगा दी जाए। ये पहली सरकार है जिसने अपने अहंकार में हमारे देश का गला घोट दिया। 2014 में इस देश की जनता ने जिन आशाओं से, जिस अपेक्षा से मोदी सरकार को जो प्रचंड जनादेश दिया, अगर आज उसको वास्तविकता और जमीनी हकीकत के तराजू में तोला जाए तो एक बहुत याद बात लिखी याद आ जाती है। देश ने मांगी थी एक उजाले की फकत की एक किरण, देश ने तो मांगी थी उजाले की फकत की एक किरण, राजा ने हुक्म दिया चलो आग ही लगा दी जाए। ये पहली सरकार है जिसने अपने अहंकार में विफल आर्थिक नीतियों से हमारे देश का गला घोट दिया, किसान की थाली से अन्न छीन लिया, रोजगार से उसकी रोजगार छीन ली, व्यापारी से उसका कारखाना छीन लिया और गृहिणी से उसकी पूंजी छीन ली। श्रीमती सोनिया गांधी ने हाल ही में कहा था, एक्ट फर्स्ट डजंट मीन थिंक सेकंड। सरकारें सोचती हैं, समझती हैं, फिर करती हैं। ये ऐसी सरकार है जो ना सोचती है और ना ही समझती है। और इस सब की कीमत कौन चुका रहा है? मोदी जी की विफल नीतियों की कीमत आप और मैं अपनी गाड़ी कमाई गवा के चुका रहे हैं। पहले तो इस सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी का जख्म दिया, फिर नोटबंदी और बेवक्त जीएसटी से उन जख्मों पे नमक छिड़का और उसका असर मंदी से आज उद्योग जगत पस्त है, महंगाई से आम आदमी त्रस्त है और मोदी जी जुमलों में व्यस्त हैं। ये है इसका नतीजा। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ना का नारा करने वाले, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा नारा करने वाले कहते 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 इस देश की अर्थव्यवस्था को ही खा गए। ये कहां का इंसाफ है मोदी जी? आम आदमी आंकड़ों की जादूगिरी नहीं समझता, वो बड़े बड़े शब्द जीडीपी, जीवीए, इंटरेस्ट रेट, बैंकों का एनपीए नहीं समझता। आम आदमी के लिए अर्थव्यवस्था के सिर्फ 4 स्तंभ होते हैं, रोजगार, तेल की कीमत, दाल सब्जी की कीमत और सिलेंडर की कीमत। जब आम आदमी अर्थव्यवस्था को तोलता है सिर्फ इन 4 पहलुओं पर देखता है। और आज क्या हुआ? आज पेट्रोल पंप नहीं है, वो सरकार के लूटने के अड्डे बने हुए हैं। एक तरफ हमारी सरकार थी, $110 पे तेल था, फिर भी इस देश में 70 रुपए पे था। एक मोदी जी की सरकार है कि डॉलर $50 पे भी आ गया, फिर भी तेल 70 रुपए पे बिकना था। इस सरकार का एक दायित्व था कि जनता को धूप ना लगे। एक तरफ मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तेल की कीमतें महंगी थी, देश पे कोई बिना टैक्स लगाए खजाने से पैसे भरे। और एक ये सरकार है आपकी जेबों में हाथ डाल के 7.5 लाख करोड़ रुपया टैक्सों में निकाला और अपने खजाने भरे।
क्यों? 5.5 करोड़ इस देश का व्यापारी, जिसे एमएसएमई कहा जाता है, जो 15 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, 5.5 करोड़ एमएसई, मध्यम वर्ग, छोटा व्यापारी, जो 15 करोड़, वो आज मोदी जी से पूछ रहा है कि क्यों हमारे कारखानों पे ताले लग रहे हैं और जो गबनबाज काम भी नहीं करते उनकी तिजोरियां भर रही हैं। ये कहां का इंसाफ? जो कारवां 15 लाख से शुरू हुआ था वो आज फिसलते 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 पकौड़ों पे आके रुक गया है। जो कारवां 15 लाख से शुरू हुआ था वो फिसलते फिसलते पकौड़ों पे आ गया है। ये क्यों मोदी जी? अपने दोस्तों को तो 55,000 करोड़ रुपया देके अंग्रेजों के पास भेज दिया और बिहार के एक किसान को अंग्रेजी में इनकम टैक्स का नोटिस थमा दिया, उसकी क्या गलती थी? एक गृहिणी पूछ रही है कि कमल का फूल क्या मेरी इतनी बड़ी भूल है कि जो सिलेंडर कभी 350-400 रुपए में होता था आज मैं वो 700 रुपए में क्यों खरीद रही हूं? और पर मोदी जी को ये आवाज नहीं आ रही, मोदी जी को ये आवाज नहीं आ रही क्योंकि दीवारें बहुत ऊंची हो गई हैं। पर मोदी जी भूल गए हैं, पर मोदी जी भूल गए हैं कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने अभी देखा नहीं आंखों का समंदर होना? वक्त की कमी है, अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि जिम्मेदारी अब हम पे है। जनता ने मोर्चा खोल दिया है, अब हमें आवाज उठानी है। जो पाखंडी राष्ट्रवाद की खोल में छुपे बैठे हैं उन्हें बेनकाब करना है। और अब सभी लोगों को घर घर जाके एक संदेश देना है कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी अब जाने वाले हैं।